फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स बाय डिफरेंट मेथड्स पार्ट टू। आज हम इसमें एल्कोहल्स का एल्कीनों के जल योजन से बनाने की विधि एवं उसकी क्रियाविधि देखेंगे। सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स एंड देन इट्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड इट्स मैकेनिज्म। एल्कीनों को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कीनों का जल योजन यानी कि हाइड्रोजन हो जाता है और एल्केनॉल बनते हैं। इस विधि से तृतीयक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल की तुलना में अधिक आसानी से बनते हैं तथा प्राथमिक एल्कोहल में केवल इथेनॉल ही हम बना सकते हैं। इथेनॉल का उदाहरण हम अगर देखें, पहले हम देखते हैं इथेनॉल कैसे बन सकता है। इथीन का जल योजन जब इसमें होता है तो जल का जो जुड़ना है वो इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा और एक OH यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ पर जुड़ जाएगा। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। लेकिन बाकी हम रिएक्शंस देखते हैं जो हम सेकेंडरी और टर्शरी किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें हम उदाहरण देख सकते हैं, ये उदाहरण है प्रोटीन हमने यहाँ पर लिया है और इसका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हम इसको गर्म करते हैं और इसमें वाटर प्रेजेंट है तो जलयोजन होगा। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन उस कार्बन एटम पे जुड़ रहा है जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी इस पर जुड़ रहा है हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ रहा है OH, राइट, एंड दिस बॉन्ड इज ब्रेकिंग। तो जो हमें यहाँ पर मिल रहा है वी आर गेटिंग अ सेकेंडरी एल्कोहल, दिस इज अ सेकेंडरी एल्कोहल। तो हमें प्रोपीन से सेकेंडरी एल्कोहल यानी 2-प्रोपेनॉल प्राप्त हो रहा है। 2-मेथिल प्रोपीन यदि अगर हम लेते हैं, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, तो इसमें भी वही है कि ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स जिस कार्बन पे उपस्थित हैं उस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा और इधर जुड़ेगा OH। तो देन दिस इज द प्रोडक्ट विच वी आर गेटिंग। प्रोडक्ट जो है वो है 2-methyl 2-propanol एंड ये हो गया हमारा टर्शरी एल्कोहल। अब देखते हैं हम इसकी मैकेनिज्म या क्रियाविधि कि किस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया एक मुक्त कार्बोकैटायन द्वारा संपन्न होती है। हम इसमें यहाँ देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पर और H प्लस इसमें आकर जुड़ रहा है क्योंकि ये दिस विल बिकम नेगेटिव और ये यहाँ पार्शली नेगेटिव होगा या पार्शली पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव वाले कार्बन पर दे विल बी जॉइनिंग ऑफ H प्लस, तो ये CH3 बन जाएगा। यहाँ अभी भी पॉजिटिव चार्ज है तो जल का अणु इस पर जुड़ेगा जो कि यहाँ इस कार्बन एटम पे आके जुड़ेगा। तो ऑक्सीजन क्योंकि अपना लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज और यहाँ पे H2, तो H2 जुड़ जाएगा और बाद में इसमें से H प्लस निकलेगा और H प्लस निकल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। सो वी विल गेट एन एल्कोहल। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। इट इज़ एन एसिड कैटलाइज और इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2O, तो इसमें H प्लस कैटलाइज रिएक्शन हो गया। चूँकि एक टर्शरी कार्बोकैटायन जो होता है वो सबसे अधिक स्थायी होता है,
इसलिए तृतीयक अल्कोहल आसानी से बनते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया एक मुक्त कार्बोकैटायन द्वारा संपन्न होती है, अतः यदि पुनर्विन्यास की गुंजाइश हो तो हमें पुनर्विन्यासित अल्कोहल मिल सकते हैं, और इससे बचने के लिए हम जो दूसरे रिएक्शन हैं उसकी यूज़ करते हैं, जो कि मर्क्यूरेशन अभिक्रिया की सहायता से हम लेते हैं। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन जो देखते हैं वो देखते हैं मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया द्वारा इसका बचने के लिए जो हमने तरीका यूज़ कर रहे हैं, यानी पुनर्विन्यासित वो ना हो पाए। मर्क्यूरीकरण अभिक्रिया में ये एक युग्म अभिक्रिया है जिसमें दो प्रक्रम होते हैं, पहला ऑक्सी मर्क्यूरीकरण और दूसरा वी मर्क्यूरीकरण, यानी ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। तो जो ऑक्सी मर्क्यूरेशन है उसमें हम देखते हैं ऑक्सी मर्क्यूरेशन में एल्कीन अणु में मर्क्यूरी यौगिक की योगात्मक क्रिया संपन्न होती है। इसके लिए हम टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन यानी THF माध्यम में एल्कीन की मर्क्यूरिक एसीटेट से क्रिया करवाते हैं। तो यहाँ हम अभिक्रिया में देख सकते हैं दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट, और यहाँ पे हमने एल्कीन लिया है, और हम किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं THF यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में, और यहाँ पे हमें एक योगात्मक प्रोडक्ट मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट जो इसका प्रक्रम है वो है डी मर्क्यूरीकरण दैट इज डी मर्क्यूरेशन। इस अभिक्रिया में अणु में मर्करी परमाणु का निष्कासन होता है। इसके लिए उपयुक्त अभिक्रिया में बने हुए मर्करी यौगिक की हम सोडियम बोरोहाइड्राइड व सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, यानी इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। इसमें से मर्क्यूरी निकल जाती है और उत्पाद के रूप में अल्कोहल प्राप्त होता है, जो कि हम इसमें देख सकते हैं यहाँ से CH3COO और CH3COO CH3COOH हमें मिलता है, दो तो टू मॉलिक्यूल्स वी गेट ऑफ CH3COOH, H जुड़ जाता है इनसे और ये निकल जाता है, देन वी गेट मर्क्यूरी इज रिमूव्ड, सो दिस मर्क्यूरी इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर। There is an addition of OH and H, so this alcohol is formed. So as such, जहाँ पर इसमें कार्बोकेटाइन बनता है वो ये वाली साइट है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, यानी ये मर्क्यूरीकरण विधि द्वारा हम एक्चुअली इसके पुनर्विन्यासित अगर कोई चेंजेस आने हो सकते हैं तो उससे हम बचा लेते हैं। तो ये स्पेसिफिक उसी जगह पर जहाँ पर OH जुड़ना चाहिए एक ही पोजीशन पे, तो वहीं जुड़ेगा। तो हियर वी आर गेटिंग दी OH, सो द फाइनल प्रोडक्ट इज
फाइनल प्रोडक्ट इज 3,3-dimethyl-2-butanol एंड द प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट इसमें मर्करी निकला है प्लस 2CH3COOH. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय मर्क्यूरेशन रिएक्शन.